कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य की परंपरा निरंतर कायम रहे, यह संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। गुरु अपने गुरु का, शिष्य अपने गुरु का जो सम्मान करते हैं वो हमेशा कायम रहे, इस संबंध का क्या महत्व है जीवन में, इससे शिष्य को क्या फायदा मिलता है, गुरु का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, इसी सब विषय को लेकर संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, वर्तमान कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे सहित बड़ी संख्या में संस्कृत विश्वविद्यालय के जो शिक्षक कर्मचारी हैं, छात्र छात्राएं हैं एवं अन्य जो व्यक्ति हैं इस अवसर पर उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश झा सहित अन्य कर्मी इस अवसर पर उपस्थित थे। आइए सुनाते हैं आज के कार्यक्रम के संबंध में वर्तमान कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे ने एवं पूर्व कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से, मनोज झा। आज व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसके दिन जो है सब अपने अपने परंपरा अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा कैसे चलती है, हमारे गुरु लोग अपने गुरुओं को स्मरण करते हैं, हम अपने गुरुओं को, इस तरह से आगे तक की परंपरा चलती रहती है। तो गुरु शिष्य का संबंध एक पिता पुत्र संबंध वत जो चलता रहा, यही एक ऐसा पवित्र व्यवसाय है जहाँ की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कारों का स्थानांतरण होता है, उसी का हम आज कार्यक्रम किए हैं, जिसमें विशिष्ट विद्वान के रूप में हमारे पूर्व कुलपति महोदय आचार्य प्रोफेसर शशिनाथ झा महोदय, जिन्होंने अपना विशिष्ट व्याख्यान दिया, और हमारे प्रतिकुलपति महोदय भी उद्बोधित किए छात्रों को, इस तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, जिस प्रकार से ये परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा समापन की ओर है, कैसे बचाया जा सकता है? नहीं, गुरु शिष्य परंपरा समापन की ओर नहीं है, पतन की, उसका पतन भी नहीं, उसका रूप बदलता है। आज भी जो अध्यापक और छात्र है वो नए तरह से जो है कक्षाएं चलती है, उस पहले क्योंकि गुरुकुल होते थे, एक ही गुरु के यहाँ सब पढ़ते थे, तो एक वो पिता पुत्र जैसा संबंध रहता था। अब विद्यालय में अपनी अपनी कक्षा तक, अपने अपने विषय तक सीमित रहने के कारण वो जरूर थोड़ा संकुचित हुआ है, लेकिन अभी भी वो आदर्श भाव रहा है, गुरुओं और शिष्यों में है, अभी भी अध्यापक और छात्र में है। सर, जो परंपरा है वो इस और प्रगाढ़ हो, इसके लिए विश्वविद्यालय को या महाविद्यालय स्तर से क्या कुछ कठिन प्रयास और कठोर कदम उठाने होंगे? उसके लिए प्रयास होता है, इसी तरह से प्रेरणा मिलती है सबको जो है, जब अपने अपने कर्तव्य बोध का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो समय पालन, अपने आदर्शों का पालन, कक्षा समय से संचालन, इन सबके द्वारा जो है शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, तो छात्र भी उसमें रुचि लेकर जब उनका उत्थान नज़र आता है तो वो भी आते हैं। सर, गुरु और शिष्य की बात हुई है और आप यहाँ के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, वर्तमान कुलपति ने गुरु शिष्य की चर्चा की, सर क्या कहेंगे? गुरु ज्ञानदाता होते हैं, ज्ञान से ही हमारी उन्नति है, जो कुछ हम मनुष्य में हम विशिष्ट हैं, विशिष्ट किस रूप से, ज्ञान से ही, तो वह ज्ञान का दाता जो गुरु है वो तो सदा पूजनीय है। इस अवसर पर हम व्यास पूर्णिमा के अवसर पर गुरु पूर्णिमा मनाते हैं और गुरु की पूजा करते हैं, और ये परंपरा है ब्रह्मा से लेकर के आज तक, हमारे गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु, ब्रह्मा तक चले जाइए, तो ब्रह्मा इस प्रकार हमारे गुरु हुए परंपरा अनुसार, तो ब्रह्मा कैसे, ब्रह्मा कितने युग हुए, आज हम हैं, ब्रह्मा कैसे गुरु हुए, तो परंपरा से गुरु हैं हमारे, तो उस परंपरा का निर्वाह होना चाहिए, और जहाँ तक संभव है हम लोग प्रयास करते हैं और हो भी रहा है।